सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सन्यासी पुत्र का क्या कर्तव्य है? माता पिता के प्रति केवल पूछा गया, औरों के प्रति केवल माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? माता पिता सदा उनके पूजनीय ही रहेंगे। बिल्कुल, सन्यासी किसी गृहस्थ के सामने झुक नहीं सकता, लेकिन एक माता पिता ही ऐसे गृहस्थ हैं जिसके सामने उन्हें झुकना ही चाहिए। वो हमेशा उनके मातृदेव, उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है, झुकना चाहिए। लेकिन रही उनके प्रति उनके सेवा क्या, तो उनके यदि और भी संतान है तो उनकी सेवा वही करें, ये अपना जिस कार्य से निकला वही करें। और यदि उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, जैसे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए, तो वो इकलौते संतान थे, तो उनके सेवा करने वाले कोई नहीं थी, तो उन्होंने कहा जब अंत समय में तुम आना, बोले बिल्कुल आए, माँ की बात माने, अग्नि संस्कार भी किया, तो यदि कोई सेवा करने वाला ना हो तो सन्यासी पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर सकता है, कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी वो गृहस्थ धर्म है तो उनको माता पिता गृहस्थ धर्म, तो सन्यासी पुत्र पे यदि जो धन राशि है तो उसका उन्हें उपभोग नहीं करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी के पास जो भी आया है वो परोपकार के लिए आया है, अध्यात्म के लिए आया है, और वो गौशाला करे, मंदिर में लगाए, आश्रम में लगाए, लेकिन वो गृहस्थ में उसका प्रयोग ना करे, मतलब माता पिता को धन से सेवा ना करे। जी जी, और माता पिता के पास धन ना हो तो धन ना हो तो अब इसके, और इकलौता पुत्र है, जी जी, धन भी नहीं है, जी जी, अब क्या करें, और गृहस्थ है वो, इसके लिए आप कहेंगे तो फिर सेवा कर सकते हैं। भिक्षा, भिक्षा से जो भी सन्यासी को मिलेगा अपने माता पिता को भी खिला सकता है, लेकिन कब, जब माता पिता के पास अपनी कोई व्यवस्था ना हो, तो सन्यासी पुत्र भिक्षा में जो भी उसको मिलता है अपने माता पिता को खिलाकर ही वो पा सकता है, तो कोई दोष नहीं है। सन्यासी पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर सकता है, जब कोई दूसरा सेवा नहीं कर रहा है वो अपने पास भी आश्रम में रख सकता है, लेकिन उनके पास नहीं रह सकता, घर में नहीं, बल्कि उनको अपने पास कुटिया में रख सकता है, और माँ बाप की खूब सेवा करो, कोई दोष नहीं सन्यासी के लिए। तो माता पिता से कभी सन्यास लिया ही नहीं जाता, ये शरीर पर माता पिता का अधिकार है, इस शरीर पर माता पिता का अधिकार सन्यासी के ऊपर भी रहता है, लेकिन वो सन्यासी को मोह ममता में न डालें, और उनको इतना ध्यान रखें, तुम्हारा पुत्र तो है लेकिन इस समय सन्यास लेने पर वो सबका हो चुका है, वो केवल तुम्हारा नहीं, वो सबका है, उस पर केवल आपका अधिकार नहीं, पूरे समाज का अधिकार सन्यासी पे है। सन्यासी का जीवन सार्वभौम जीवन होता है, वो व्यक्ति नहीं होता, व्यक्तित्व होता है, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है सन्यासी। इसलिए माता पिता अपने पास सन्यासी पुत्र को नहीं रख सकते, लेकिन स्वयं आकर के उनके पास रह सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास संपत्ति है तो संपत्ति अपने खर्चा स्वयं करना चाहिए, दान का नहीं करना चाहिए, आपत्काले मर्यादा नास्ती, यदि धन है ही नहीं, बात अलग है, तो सन्यासी पुत्र जो भिक्षा मिला तो खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है और मोह ममता में आप दूसरे पुत्रों को सब दियाए हो और खाली हाथ यहाँ आ गए हो, तो यहाँ आप दान का नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास अपने अधिकार में संपत्ति है, तो आपने मोह ममता में आकर के अपने बच्चों को संपत्ति दे दी, और जो सन्यासी बच्चा वहाँ खाली हाथ आ गए, जब आप पुत्र मान रहे हैं तो उसका भी फिर हिस्सा बनता है, यदि वो लेगा नहीं, अब उस हिस्से का आप क्या करेंगे, आप अपना खर्चा स्वयं करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मेरी अपनी बात है, अब हम सन्यासी बन गए, विरक्त हो गए संसार को त्याग करके, तो हमारे हिस्से में जो जमीन आई है, तो मेरे पास यहां बात आई, तो मैंने कहा मुझको नहीं चाहिए, तो जो दूसरे भाई थे उन्होंने कहा कि भले आपको नहीं चाहिए, लेकिन हमने तो आपका हिस्सा निकाल दिया है, मतलब आपको दिया है जमीन जायदाद, घर में भी और खेत में भी आपका हिस्सा आपको दे दिया। तो मैंने उत्तर दिया कि मैं तो विरक्त हो चुका हूं, मुझको तो उस हिस्से से कोई मतलब नहीं रहा, फिर भी आप यदि मुझको दे रहे हैं, आपका भाव है तो अच्छी बात है, जब तक शरीर में माता पिता रहेंगे तब तक मेरा हिस्सा जो है वो माता पिता ही उस खर्च से अपना गुजारा करेंगे। अब माता पिता भी इसे छोड़ के चले गए, तो अब भी मैं कह रहा हूं, हो सकता हो इस समय टीवी पे भी देख रहे होंगे, उस हिस्से में मेरा कोई मतलब नहीं है, माता पिता तक था, बस वही सा माता पिता का, अब माता पिता जी सिर छोड़ गए हैं, अब उस हिस्से का वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं।